गंगा मैया। ओके देवियों और सज्जनों, तो स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। और हम अभी जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, सबसे मेन डेस्टिनेशन हमारे इस ट्रिप की। और सबके सब ऐसे मस्त नंगे पांव निकले, मैं और ये हमारे गुलशन भाई से हाय टू माय व्लॉग। हेलो गुलशन भाई के नंगे पांव, बाकी सब लोग नंगे पांव। शक्ल देखने लायक नहीं है तो शक्ल नहीं दिखाओगे इन लोगों की, से पहले पढ़े आगे निकल जाता हूँ। तो अभी रिक्शा और ऑटो जो भी मिल जाए वो लेते हैं। लगभग 200 रुपये लगेगी हम सबके शायद एक बुक करने के। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन है और बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, बस चल। तो दोस्त, मैंने डिसाइड किया है कि ये वाला ऐसा वॉक करने का सीन यहाँ पे मैं आपको ऐसा रॉ फॉर्मेट में दिखाऊंगा बिना किसी म्यूज़िक के, ताकि आप एहसास कर सको कि कैसा फील होता है बनारस की इन खूबसूरत गलियों में। दिखा दिया चाय कुल्लड़ वाली, आगे छोटी टपरी भी है जहाँ पे 10 की कुल्लड़ चाय मिलती है, शायद यहाँ पे 20 की मिलती हो या फिर 10 की होगी, कोई आइडिया नहीं है। टाइम कितना हो रहा है, 6:30, हाँ सुबह के 6:30 बजे। और ये है माहौल खूबसूरत, पतली गली है, आगे एक भारत सरकार वाली गाड़ी। सॉरी डकार आ गई, फिर से सॉरी, बार बार डकार आ रही है। VIP लोग, VIP पीपल, दूसरा शॉप भी है यहाँ पे। और ये नारियल पानी, देने मस्तिष्क को ऑक्सीजन, देने ऊर्जा, आ जाए और चेतन मन से चेतन मन में प्राप्त कर ले सतो गुरु। नहीं भैया, कर ली बहुत वोटिंग करी कर हमने, हर सोच में हर कार्य में। यह सुबह है, ये बनारस का कार्यक्रम, वही शुद्धता है, बाकी क्रिया है गंगा स्नान करना, नहीं अंकल अभी बनेगा, अभी हम मंदिर जाएंगे आकर के। नहीं यार, कुछ नहीं हो रहा, बस ओवर एक्टिंग का भूत। डोंट कॉल मी वरुण धवन, ओके, एक्चुअली कॉल मी वरुण धवन। जय गंगा मैया, ओम नमः शिवाय। पर थोड़ा सा पानी रोशनी के लिए भी उठा लेता हूँ, उसकी तबीयत खराब है। गंगा मैया का आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ मैं, हाँ। जिया जिया, लेट हो रहा है, चलो मेरे को कुछ नहीं करना, आपको भी नहीं करना,
अज्ञा का नाश नहीं हुआ है। I'm fresh. कुछ बचा ही नहीं यार, सारा पानी गिर गया। रोशनी रोशनी ऊपर देखो, हाँ दो चार बूंद है बच्चे गिर गए। बोलो जय गंगा मैया, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलो लेट्स गो। पता बच्चा था थोड़ा सा और है, रुक मैं गिराता हूँ जबरदस्ती। नहीं गिरा, हाँ गिरा 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 गिरा। चलो कतरे कतरे की कीमत, एक बूंद गंगा मैया के पानी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक्चुअली मैंने बताया नहीं, हम अचानक से यहाँ कैसे आ गए, हम आ गए अस्सी घाट पे जहाँ सुबह बनारस का प्रोग्राम चल रहा था, और अब हम जा रहे हैं वापस से काशी विश्वनाथ मंदिर पे। साइड में आता चला जाएगा, पानी लेना है मुंह धोने के लिए। चलते हैं बोट पे बैठ के एक चक्कर मार के काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। आइए आपका इंतजार है। मन राह भुलावे ब्रह्मे डाले। चलिए 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 चलिए, प्लीज हेल्प मी। या थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर। देखो आपने चालू पंती जगह पर इन लोगों ने। अरे हाँ भैया थोड़ा बढ़िया नाव निकाल लेते। अरे गिर जाओ रोशनी, तो इधर गिर जाओ, सब ठीक नहीं है। अरे तुम मंदिर पहुंचने तक मंत्र जप रही है ना? परेशान कर सकते क्या? पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं करते। पाप लगेगा? पाप नहीं, बट किसी के श्रद्धा में विघ्न नहीं करने का ना। हाँ ठीक है, जाओ। माफ किया, माफ किया। गंदा पानी उधर उधर, साफ पानी आएगा तब डालना। क्रिश मूवी देखी है? देखी है ना क्रिश मूवी? हाँ। वो मोटर बोट है, ये चप्पू बोट है। अब मैं निकालूंगा मछली।
अंडा है मछली का, वो बड़ा नहीं हुआ है अभी। अगली बार अगले साल आओगे तो मछली हो जाएगी, तब निकालेगा। अभी वापस डाल दो। सॉरी गाइस, आप लोग लेट हो गए, मेरी कोई गलती नहीं है, यू गाइस आर लेट, इसलिए आपको स्टोरी सुनने को नहीं मिली। अगली बार टाइम पे ब्लॉग देखने आना तो मिल जाएगी, और लाइक नहीं करोगे तो अगली बार भी नहीं मिलेगी। तो कमेंट कर दोगे तो चलो अगली स्टोरी सुनो। अभी शिमेश्वर का, शिमेश्वर महादेव का मंदिर, क्षमा देने वाले महादेव। काशी में किसी से कोई भूल चूक होता है तो लोग क्षमा मांगने के लिए इधर जाते हैं। आश्रम है, उसमें मानसरोवर नाम का तालाब है, तालाब के नाम पे ही घाट का नाम पड़ा है, मानसरोवर घाट। इसके पीछे है? हाँ, इसके पीछे लालन झूठ है। मानसरोवर घाट आगे है, नारद घाट और राजा घाट। नारद घाट, ये नारद मुनि जी के नाम पे घाट का नाम है। भगवान शंकर और माता पार्वती काशी का परिक्रमा कर रहे थे, उनके पीछे नारद मुनि जी आगे। भगवान शंकर ने नारद मुनि जी को मना किया, बोले आप मेरे पीछे मत आइए, आप जहाँ जाते हैं चुगली करते। भगवान नारद को ये बात बहुत बुरी लगी, बोले मैं आज के बाद कभी चुगली नहीं करूँ, मेरे देव मेरे बारे में सभी देवता मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं आज के बाद कभी चुगली नहीं करूँ। उन्होंने घाट पर स्नान किया और अपना सारा चुगली यहाँ पर छोड़ के चले गए, और कभी भी उन्होंने चुगली नहीं किया। घाट में चुगली छोड़ा इसलिए घाट में कोई भी स्नान नहीं किया, अगर कोई भी जोड़े में स्नान करेगा पति पत्नी भाई बहन झगड़ा होने लगेगा। हाँ, अगर कोई कोई दो लोग अगर नारद घाट पे स्नान करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा।